बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर 2022 चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सऊदी विजिट हुई। ये विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के लगभग सभी देश इस मीटिंग में शामिल थे, मतलब सऊदी के साथ साथ यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान, ये सारे देश और इनके हेड ऑफ स्टेट उस मीटिंग में शामिल थे। ये एक हिस्टोरिक मैसेज था वेस्ट एशिया की तरफ से वेस्ट को कि आने वाले टाइम पर ये लोग यूनाइटेड स्टेट्स के दुश्मनों के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, और ये अपनी पॉलिसीज को इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से शेप करेंगे बिना किसी की फिक्र किए। अब उसके ठीक 2 महीनों बाद फरवरी 2023 में इरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की चाइना विजिट हुई, और इस विजिट के 1 महीने के अंदर अंदर ही ईरान और सऊदी अरब के बीच में चीन की राजधानी के अंदर एक नॉर्मलाइजेशन डील हुई जिसमें दोनों देशों के सिक्योरिटी चीफ्स ने साइन किया है। और किस चीज पर राजी हुए कि आने वाले 2 महीनों में एम्बेसी खुल जाएंगे और रिलेशंस 2016 या अगर ब्रॉडवे में ले जाओगे तो 2011 से पहले के हो जाएंगे, मतलब बिजनेसेस भी होंगे और दोनों देशों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा, मतलब मिडिल ईस्टर्न कोल्ड वॉर का चैप्टर अब एंड हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन ने ये कैसे किया, कैसे 10 साल से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह एंड कर दिया, वो भी 4 से 5 महीनों में, और कैसे इस डील के बाद मिडिल ईस्ट यूरोप से ज्यादा बेहतर जगह होगी, उससे अमीर, उससे ज्यादा सेफ। लेकिन उससे पहले चाइना ने बिना कुछ कहे अमेरिका को उसी के खेल में हरा दिया। मतलब ये उसकी ट्रेडिशनल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है कि कहीं पर मिलिट्री बूट्स उतार दें, दो देशों के बीच में नॉर्मलाइजेशन करके अपना फायदा निकलवा लें। ये सारी ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। लेकिन इस बार जैसे ही चाइना ने देखा कि सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जमाल खशुजी के कत्ल के बाद एक टेंशन सी है, वहां पर एक वैक्यूम बनाया यूनाइटेड स्टेट्स ने, और उस वैक्यूम को फिल करने आ गया चाइना। वहीं से घुसकर उसने मिडिल ईस्ट में अपना एक मजबूत किला बना लिया, क्योंकि असल में मीडिएशन कौन करा रहा था सऊदी और ईरान के बीच में? इराक। लेकिन वो मीडिएशन इराक कामयाब नहीं करा पाया, बल्कि 13 राउंड टॉक्स हुई हैं, 6 ऑफिशियल, 7 अनऑफिशियल। लेकिन चीन ने उस काम को जो इराक सालों से कर रहा था उसे 4 महीने में करके दिखा दिया, क्योंकि चाइना के पास कुछ एज थे। अच्छा, अब इस डील का ये हरगिज मतलब नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट से खत्म होने जा रहा है। कोई वेपन डील नहीं होंगी, बिजनेस नहीं होगा, या फिर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन दोनों साइड्स के बीच में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से मिडिल ईस्ट के लिए, मतलब इनके ऊपर दबाव डालो और अपना काम निकलवा लो, वो चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर एक बैलेंस बनने जा रहा है जिसे चाइना बनाएगा। अगर दो बड़ी ताकतों का बराबर इन्फ्लुएंस किसी सेम रीजन में है तो इसका मतलब इन्फ्लुएंस जीरो हो चुका है। तराजू के दो पहलुओं पर अगर आप बराबर वजन रखेंगे तो एक बैलेंस बन जाएगा, वो बैलेंस अब मिडिल ईस्ट में बना रहेगा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स किसी तरह का कोई दबाव डालता है तो चाइना आकर उसको बैलेंस करेगा, चाइना कोई दबाव डालता है तो यूनाइटेड स्टेट्स आकर उसको बैलेंस करेगा। मतलब क्या है कि दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन में मिडिल ईस्ट को एक पीसफुल रीजन बनाकर रखेंगे, जो साफ तौर पर दिख रहा है। अच्छा, अगर आने वाले टाइम पर ये दोनों ताकतें एक दूसरे से ग्लोबली ट्रेड और स्ट्रेटजी के लिए लड़कर खत्म हो जाती हैं, तब तक मिडिल ईस्ट एक बहुत पावरफुल रीजन बन चुका होगा। लेकिन ये एक लौती अच्छी खबर नहीं है मिडिल ईस्ट से। सऊदी और तुर्की के बीच में जो टेंशन चल रही थी, जो कि अरब तुर्की टेंशन में बदल गई थी, वो टेंशन भी आखिरी एक साल में ठीक हुई है। प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की अप्रैल 2022 में सऊदी विजिट हुई, फिर जून 2022 में मोहम्मद बिन सलमान की तुर्की विजिट हुई। 2 महीने के अंदर दोनों हेड ऑफ स्टेट एक दूसरे के यहां हो आए और रिलेशंस नॉर्मल हो गए। उससे पहले 2021 में मोहम्मद बिन जायद की, मतलब यूएई के डिफैक्टो हेड ऑफ स्टेट की, तुर्की विजिट हुई थी, तब यूएई ने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिए थे। अच्छा, $10 बिलियन के करीब का जो फंड है वो कतर की तरफ से आया। अब कतर पुराना अलाय है तुर्की का, लेकिन ये मिडिल ईस्ट की एकता को शो करते हैं। दूसरी तरफ सऊदी ने नॉर्मलाइजेशन के बाद टर्किश सेंट्रल बैंक में $5 बिलियन डाले हैं डिपॉजिट के तौर पे, ताकि वो इकोनॉमिक बहरान से बाहर आए। यूएई के साथ तुर्की की गवर्नमेंट ने $10 बिलियन के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किया है। अब इसमें $2 बिलियन के हथियारों की डील है, और आने वाले टाइम पर भी यूएई तुर्की के हथियार खरीदेगा। अरबों के साथ इस नॉर्मलाइजेशन का सीधा असर तुर्की की इकोनॉमी पर दिखा है। तुर्की 2023 की जनवरी में $20 बिलियन के करीब का हिस्टोरिक एक्सपोर्ट कर चुका है, जिसमें 11% लास्ट ईयर से उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है, और 17% मिडिल ईस्ट के अंदर उसका एक्सपोर्ट आखिरी साल से बढ़ चुका है। इसी के साथ साथ जो तुर्की की अपनी इकोनॉमी में हार्डशिप चल रही थी, स्पेशली इन्फ्लेशन, वो भी धीरे धीरे करके डाउन हो रहा है। मतलब एर्दोगान की जो फॉर्चून टेलिंग थी कि आने वाले टाइम पर तुर्की की इकोनॉमी बहरान से बाहर आएगी, इन्फ्लेशन कम होगा, वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बदलेंगे, वो चीजें हो रही हैं, क्योंकि 2 महीनों में 85% के करीब
जो इन्फ्लेशन है वो डाउन हो चुका है और आने वाले टाइम पर डाउन होगा, एक्सपर्ट्स का कहना है। टर्की के हथियारों का एक्सपोर्ट बीते चार सालों में 2018 से 2022 के बीच में 70% से ज्यादा बढ़ गया है, और ये टाइम वो था जब ईरान, सऊदी, यूएई ये लोग उससे हथियार नहीं खरीद रहे थे। अब मिडिल ईस्ट में नॉर्मलाइजेशन का दौर चल रहा है, मतलब आने वाले दिनों में तुर्की के हथियार इन देशों को भी बिकेंगे, तो इसका उसकी इकोनॉमी पर गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके जो आर्म एक्सपोर्ट है या हथियारों के एक्सपोर्ट हैं, ये लगभग 200% से बढ़ चुके होंगे। अच्छा, यहां पर जो हमने टर्की का एग्जाम्पल लिया इकोनॉमी के लहजे से, वो इसलिए क्योंकि ईरान पर भी उसी तरह के इम्पैक्ट आने वाले दिनों में पड़ने वाले हैं। उसकी जो मेन टेंशन थी वो ये कि रीजनल पावर्स ने उसका साथ छोड़ दिया था, वो वेस्ट के साथ थे, लेकिन अब जब रीजनल पावर्स उसके साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे, बिजनेस दोबारा से चालू होगा। ईरान के पास बहुत अच्छा इकोनॉमिक पोटेंशियल है, वो $2 trillion के करीब की इकोनॉमी है, मतलब इतनी बेहतर लोकेशन, बेहतर कौम, हथियार, मिलिट्री रिसोर्स, इकोनॉमिक पोटेंशियल, इन सारी चीजों के बावजूद ईरान की इकोनॉमी बुरी तरह से मुतासिर थी, लेकिन अब वो 60% के करीब बहरान से बाहर आ जाएगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों का साथ, उसके बाद रशिया, चाइना, ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से एक ही बार में ईरानियन इकोनॉमी 55-60% के करीब बहरान से बाहर आ जाएगी। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो कांग्रेसमैन है वो एक बिल लाना चाहते हैं इसराइल के कहने पर कि ईरान को डी न्यूक्लियराइज करे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में रेजीम चेंज करे, मतलब ईरान की सत्ता बदल दी जाए। लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों को खेल समझ में आ गया और इस डील के बाद वेस्ट के चारों खाने चित हैं। क्यों इंपॉर्टेंट थी ये डील? वो इसलिए क्योंकि इन केस अगर ईरान के अंदर किसी तरह की कोई रेजीम चेंज हो जाती है, तो मतलब मिडिल ईस्ट की चाबी आप वेस्ट के हवाले कर रहे हैं, वॉशिंगटन में बैठकर मिडिल ईस्ट का फैसला होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट था, एक शिया गवर्नमेंट हट जाएगी, उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो डोमिनेंस था वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई तेहरान में बैठी गवर्नमेंट को हटा सकता है, तो वो रियाज में बैठी गवर्नमेंट को भी हटा सकता है, वो दमिश्क की सरकार को भी हटा सकता है, बगदाद की सरकार को भी हटा सकता है, अंकरा की सरकार को भी हटा सकता है, और मिडिल ईस्ट में बाकी सब तो कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। लेकिन अगर ये सब मुत्तहिद रहेंगे तो ये अपने फैसले खुद कर पाएंगे, इसलिए इन लोगों ने ये अमन का रास्ता चूज किया है। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट की तीन बड़ी ताकतें सऊदी, तुर्की और ईरान, ये तीनों $1 trillion इकोनॉमीज हैं, एक के पास $2 trillion की इकोनॉमी है, एक के पास $1 trillion की इकोनॉमी है, और $1 trillion इकोनॉमी बनने वाला है, $40-50 billion का फर्क बचा है, ये लोग साथ में काम करेंगे तो रीजन का बहुत तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होंगे। इससे पहले क्या होता था, तीनों के पास अलग अलग टाइप के सपोर्ट थे, ईरान के पास रशिया चाइना का, अरब्स के पास वेस्ट का, तुर्की के पास EU और नेटो का, और ये लोग आपस में मिलकर डोमिनेंस का खेल खेलते थे मिडिल ईस्ट में, डेवलपमेंट पर वो ध्यान नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये लोग आपस में मिल रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके दिल मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइना की राइज की वजह से मिडिल ईस्ट को एक मौका मिला है दुनिया का सबसे पावरफुल रीजन बनने के लिए, जो वेस्टर्न यूरोप से ज्यादा पावरफुल, रिच और सेफ होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर ये सारे रिसोर्सफुल देश एक साथ काम करने वाले हैं बिजनेस, ट्रेड, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और एक साथ मिलकर ये लोग एक हैवी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता खोल देंगे। अच्छा, ईरान और सऊदी के बीच में कॉपरेशन कैसे बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खत्म कैसे हुआ, और आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ था? तो जनवरी 2016 में शेख आयतुल्ला बाकिर अल नम्र, ये एक सऊदी अरेबियन शिया क्लैरिक थे जिन्हें सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने टेररिज्म के चार्जेस लगाकर एग्जीक्यूट कर दिया था। उसके बाद से शिया मेजॉरिटी ईरान में इसके लिए एंटी सऊदी प्रोटेस्ट होने लगे। कैपिटल तेहरान में सऊदी की एम्बेसी को गुस्सैल भीड़ ने जला दिया। उसके बाद से सऊदी अरब ने काउंसलेट और एम्बेसी को तेहरान के अंदर बंद कर दिया, और फिर ये रिलेशंस और ज्यादा बिगड़ते चले गए। सेम वही स्टेप्स ईरान ने भी अपनी तरफ से लिए कि इन्होंने भी सारे रिलेशंस तोड़ दिए। अच्छा, इस वाकये से 6-8 महीने पहले यमन के अंदर जंग शुरू हो गई थी, जहां हूती रिबेलियंस ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी उन्हें करप्ट बताकर। हूतीज एक ट्राइब है जो कि सालों से यमन के ऊपर रूल कर रहा था, लेकिन इसके मेजॉरिटी लोग शियाज हैं, और जो यमन है उसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नियों की है। तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, और ईरान ने सपोर्ट किया हूती रेबेलियंस को, क्योंकि वो शिया थे ये सुन्नी थे। तो इस सो कॉल्ड शिया सुन्नी की लड़ाई में यमन के अंदर जो जंग चली, उसके बाद से दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा बढ़ते चले गए। फिर फर्दर और जगह पर प्रॉक्सी वॉर्स दोनों देशों के बीच में शुरू हो गई और हालात और बिगड़ते रहे। लेकिन इन्हीं चीजों से कुछ महीनों पहले एक डील हुई थी ईरान की और यूनाइटेड स्टेट्स की, और भी कई न्यूक्लियर पावर्स उसमें शामिल थी, JCPOA,
मतलब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब इस डील को यूनाइटेड स्टेट्स ने आगे चलकर तोड़ दिया। अब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अरब देशों का साथी और उसने न्यूक्लियर डील से भी ना कर दिया तो ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा गहरा हो गया। लग रहा था कि ये मिडिल ईस्टर्न कोल्ड वॉर दशकों तक चलेगी और अभी इसका जो खात्मा है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही सालों में इस पर सेंध लग गई। साल 2021 में चाइना और ईरान के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डील हुई और यही डील सऊदी और ईरान के रिलेशंस को बनने में पहला टर्निंग पॉइंट था। डील क्या थी कि आने वाले 25 सालों में तेल के बदले चीन ईरान के अंदर $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, जहां पर वो पोर्ट्स डेवलप करेगा, रोड्स बनाएगा और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क करेगा। साथ में पूरे ईरान को अब वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाएगा, मतलब ईरान का ओवरऑल डेवलपमेंट। ईरान जितने मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था या उसने दूसरे देशों को वो मेगा प्रोजेक्ट्स दिए थे, उनसे उन देशों को निकालकर उसने चीन को एंट्री दे दी। मिसाल के तौर पर हिंद को कई प्रोजेक्ट से निकालकर इन्होंने चीन को एंट्री दी। अब मैंने कहा कि टर्निंग पॉइंट था क्योंकि चाइना सऊदी और बाकी सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्री का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आप ही कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर चाइना। फिर उसके बाद बहुत बड़े लेवल पर चाइनीज गुड मिडिल ईस्टर्न मार्केट में मिलते हैं सारे देशों में। सिर्फ साल 2020 और 21 के बीच में, मतलब एक साल के दरमियान में, चीन और सऊदी का जो ट्रेड था वो 30% के करीब इंक्रीज हो गया था। आने वाले टाइम पर ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, युआन को ये लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करेंगे, जैसे हार्ड करेंसी को यूज किया जाता है। इसको लेकर दोनों साइड्स बातचीत कर रही हैं। मतलब एक तरफ हैवी ट्रेड था और दूसरी तरफ हैवी इन्वेस्टमेंट, और अगर इन दोनों साइड्स के बीच में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता और ये लोग लड़ते तो अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ता चाइना की इकोनॉमी पर। इसीलिए चाइना ने पुश किया और कोशिश की कि इन दोनों साइड्स को एक विन विन डील दी जाए, कि आपस में कॉपरेशन बना लो और दोनों साइड्स का फायदा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो चाइना की कमर टूट जाती, ना तेल मिलता, ना प्रॉफिट होता, ऊपर से पैसा डूब जाता। इसीलिए चाइना ने कोशिश की और आखिर में ये दोनों देश नॉर्मलाइजेशन पर आ गए और दोनों देशों के बीच में एक डील हो गई, एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज। ये उसी तरह का एक ऑफर था। और अभी बात लाजमी है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक टाइज और बिजनेस टाइज इंप्रूव होंगे। अगर ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं तो इनकी खुद की इकोनॉमी पर उसका इंपैक्ट दिखेगा, क्योंकि ये इकोनॉमीज काफी ज्यादा इंटीग्रेट हो जाएंगी। इस वजह से इन्हें साथ में काम करना पड़ेगा, और दोनों ही क्यों, तीनों। लेकिन ये इकलौता रीजन नहीं है कि तीनों मिडिल ईस्ट की बड़ी ताकतें साथ में आकर काम करेंगी, इस वजह से मिडिल ईस्ट का डेवलपमेंट होगा। वो इसलिए भी क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंगें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन, सब जगह पर। फिर उसके बाद अब प्रॉक्सीज बंद हो जाएंगी क्योंकि सऊदी और ईरान ने नॉर्मलाइजेशन कर लिया है, और प्रॉक्सीज नहीं होंगी तो पूरे रीजन का साथ में मिलकर सिर्फ एक ही ध्यान होगा और वो है डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री पर इन सारे देशों का ध्यान होगा। और इससे ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि नॉर्दर्न अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, मलेशिया, इस पूरे रीजन पर एक गुड इंपैक्ट पड़ने वाला है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर। अच्छा, मॉडर्न डे में जब भी हम डेवलपमेंट और ताकत की बात करते हैं या उस डायरेक्शन में बढ़ने की बात करते हैं तो हमेशा हम कुछ बेसिक इस्लामिक नॉर्म्स को पीछे छोड़ देते हैं, जैसे इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक शरिया। कोई भी मुस्लिम देश तब तक मुस्लिम देश नहीं कहलाया जा सकता जब तक उसके अंदर ये गवर्नेंस सिस्टम मौजूद ना हो, और आज के मुस्लिम देश सबसे पहले डेवलपमेंट के लिए इन्हें ही छोड़ते हैं। आप तब तक मुसलमान नहीं कहला सकते जब तक आप सैयदुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते पर नहीं चल सकते। बहुत से लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएंगे, डेवलपमेंट बंद हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सारी जो मॉडर्न इकोनॉमीज हैं वो आपको पीछे छोड़ देंगी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बंद हो जाएगा। इसलिए इन कामों को तवज्जो नहीं देना चाहिए, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लिबरलाइज और वेस्टर्नाइज किया जाए, तभी आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके बुजुर्गों ने इसे कामयाब करके दिखाया, उन्होंने दोनों चीजें कामयाब करके दिखाई, एक तो इस्लामिक गवर्नेंस सिस्टम 17th और 18th सेंचुरी में या उससे पहले कई बार, साथ में शिया सुन्नी यूनिटी सियासत में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आइडियोलॉजीज को बदलें, लेकिन सियासत में ये यूनिटी बहुत जरूरी है, और ये यूनिटी माजी में कायम करके दिखाई गई है। यही कुछ तरीके हैं जिनसे डेवलपमेंट किया जा सकता है और जिससे अपने रास्ते पर रहकर डेवलपमेंट किया जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना था, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।